बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 अप्रैल 2024 है और मैं जो आपके साथ मुखातिब होने जा रहा हूँ इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। और मैं सबसे पहले माजरत खाऊँ, मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा है, तो मे भी आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम हो तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बाकी ये है कि देखें, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गोल्ड मार्केट का जो रेट चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देख दिएगा, ठीक है। अभी जो पीस रेट चल रहा है वो 2,32,800 है, इंटरनेशनल मार्केट 2,257.50 पे खड़ी है। पठूर आपका चल रहा है 2,30,200 पे, कराची के अंदर 2,33,000 चल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर रेट है 2,77.95। US डेटा जो है वो शाम 7:30 बजे होगा। तो इंडिकेटिव जो रेट्स हैं उसमें जो है वो ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है इस वक्त, क्योंकि लोग सेलिंग में भी प्रेशर में हैं, बाइंग में भी प्रेशर में। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि लंदन यूरोप ओपनिंग आज से दिन 12 बजे और लंदन क्लोजिंग रात 8:30 बजे पे हुआ करेगी। इसी तरह हमारा टाइम थ्योरी के मुताबिक एशिया सेशन अब सुबह 3 बजे से दिन 12 बजे तक हुआ करोगे। दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान को अपडेट जो अपडेट्स है आलमी इदारे से 8 अरब डॉलर तक जो नया बेल आउट पैकेज है वो मिलने का इम्कान होगा, जो फिर डॉलर का इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस हिसाब से औंस मार्केट ऊपर जा रही है, सुबह तक 2,300 तक ना चली जाए मुझे ये भी खतरा था, अब 2,257.55 पर आ गई है, तो गोल्ड आज फिर ब्लश में। एक और चीज़, पेट्रोल 9.66 रुपये फी लीटर महंगा हो गया पाकिस्तान में। और गज़ा में जंग बंदी है, इसराइल और हमास के मुज़ाकरात आज काहरा में होने जा रहे हैं, गोल्ड मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इम्पेक्ट करेंगे। दूसरा, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक अगर गोल्ड की अगर हम डायरेक्शन की पेशन गोई करें तो 2,250 से 2,260 की मुज़ाहमत पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर ये टूट नहीं सकता तो ये 2,210 2,290 की जांच करेगा। अगर मज़ाहमत 2,260 से ज़्यादा है तो 2,280 2,300 2,340 का एनालिसिस किया जाएगा। 2,280 2,285 की अगर आप हिमायत पर तवज्जो दें तो अगर ये नहीं टूटता तो ये दोबारा 2,240 2,260 2,280 की तरफ जाएगा। और अगर 2,185 स्पोर्ट टूट जाता है तो 2,165 2,155 2,140 टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वक्त बाइंग नहीं करनी है आपने। बाइंग इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए, 2,300 की जब तक मार्केट से आवाज़ है उसमें रिट्रेसमेंट का, मार्केट बिना किसी स्पोर्ट के ऊपर जा रही है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के आप देखें तो आलमी इदारे से पॉजिटिव साइन मिल रहा है, दूसरा हमास का जो इशू था उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, यानी हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद गोल्ड मार्केट ऊपर जा रही है। दूसरा, पावल की स्पीच जो लास्ट हुई थी उसमें उसने ये दावा किया था कि हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करें, बेसिकली वो एक गैर सियासी बात नहीं, तो एक सियासी बयानिया था। उनको पता गोल्ड मार्केट ब्लश कर रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर गोल्ड मार्केट ऊपर चले गए। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अभी बाइंग करने के चक्कर में कि हम बाइंग कर लें बाइंग कर लें बाइंग कर लें, यहाँ पर बाइंग ना करें। अभी अभी आप 2,300 के लेवल को देखें, अगर मार्केट रिट्रेस करती है 2,260 2,270 तक मार्केट जाती है, फिर 2,300 को मार्केट टच करेगी और ये 2,400 तक भी जा सकती है। वो आप ये कर सकते हैं कि बाइंग अगर करनी भी है तो ज़्यादा नहीं कीजिएगा, सिर्फ 20% कीजिएगा, वो भी 2,270 के लेवल के ऊपर, 2,255 लेवल के ऊपर आपने बाइंग नहीं करनी, 2,270 के स्पोर्ट के ऊपर आपकी बाइंग बनती है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो अभी प्रॉफिट में हैं, जो 15 से 25 हज़ार में जा रहे हैं, जिनकी खरीद थी 2,30 2,32 2 स्टक थे, वो अगर रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहते हैं 2,160 का 2,170 का उनके पास मौका है, रिस्की है। अगर प्रॉफिट के चक्कर में लेना चाहते हैं फिर स्टक हो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेफ एंड पे रिस्क में 2,170 के रिट्रेसमेंट पे आप दोबारा माल उठाना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी इंटरबैंक में अंदर जो गोल्ड रेट इंटरबैंक के अंदर डॉलर रेट है वो 2,77 2,78 के राउंड अबाउट है, और आलमी मार्केट से बेल आउट पैकेज भी 8 अरब डॉलर मिलने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर जो रेट मतवक्के है डॉलर का वो जून तक एक्सपेक्टेड है 300+ तक। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट और पाकिस्तान के मार्केट में जो पेशन गोई की थी आपको कि जून तक 2,70 तक गोल्ड जाएगा, वो बहुत जल्द सच होने वाली है, बहुत जल्द ये चीज़ आपको नज़र आएगी। बाकी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं अभी देना बाकी हैं, लेकिन मैं इस वक्त किसी ऐसी जगह पर बैठा हूँ तो मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रहा क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।